सुनीता आज श्याम से ही बहुत उदास थी जब से उसकी देवरानी सुमन ने उसके चरित्र को लेकर कटाक्ष किया था वह हैरान थी कि सुमन ऐसा सोच कैसे सकती है राकेश तो मेरे छोटे भाई जैसा है उसके साथ छी उसकी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे सोचते सोचते वह अतीत में खो गई जब वह शादी होकर इस घर में आई थी तब राकेश सिर्फ बारह वर्ष का था नई भाभी के आकर्षण में बंधा हुआ वह इर्द गिर्द घूमता शर्मिलेपन के कारण बोलता कुछ नहीं पर कमरे में उसके आसपास चक्कर लगाता रहता उसके प्यार से बोलने पर वह धीरे धीरे खुलने लगा फिर उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई सुनीता अपने भाई को छोड़कर आई थी जो लगभग इसी उम्र का था राकेश में उसे अपना भाई नजर आता वह काफ़ी उससे हिल मिल गया धीरे धीरे वो अपने काम भी उससे कराने लगा कभी दोपहर में फुर्सत मिलने पर उसके साथ लूडो सांप सीढ़ी खेलती उसके होमवर्क करने में मदद करती उन उसकी यूनिफॉर्म स्कूल बैग टिफिन सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली मम्मी जी उन दोनों का प्यार देख खुश होती बड़े होने पर भी वह हर जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता समय रेत के समान मोटे से फिसलता गया पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य करने लगा अब समय था उसके लिए लड़की चुनने का तो यह जिम्मेदारी भी उसके साथ ससुर ने उसके ऊपर ही छोड़ दी बेटा अपने संस्कारित बहुत ढूंढले तालमेल उसकी खोज सुमन पर जाकर रुकी सुमन हर तरह से उसे रागे उन परिवार के योग्य लगी चट मंगनी पट ब्याह हो गया और सुमन उसकी देवरानी बनकर घर आ गई स्वभाव से मजबूर उसने उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझा प्यार से उसे कोई परेशानी नहीं आने देती इस बीच वह स्वयं भी दो बच्चों की मां बन चुकी थी उसके बेटा बेटी भी नई चाची के आसपास मंडराते रहते छोटी बेटी चिंकी तो उसकी गोल से उतरना ही नहीं चाहती खाना भी उसी के हाथ से खाती हाँ अभी राकेश के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था वह अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए भाभी को ही आवाज़ लगाता शादी को कुछ माह गुजर चुके थे सब कुछ ठीक चल रहा था किंतु सुमन को अब यह पसंद नहीं था कि राकेश अपनी भाभी से किसी काम के लिए बोले वर्षों की पुरानी आदत को बदलने में समय लगेगा वह सुमन को समझाता किंतु वह मन ही मन में कुड़ने लगी धीरे धीरे वह सुनीता को रोकने लगी कि आप क्यों राकेश का काम करती हो सुनीता हथ पर रह गई यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह गलत है अतः अब वह राकेश की बात अनसुनी करने लगी किंतु राकेश के मन में तो कोई बात नहीं थी वह बराबर उसे ही पुकारता भाभी मेरा कमीज प्रेस कर दो भाभी टिफिन दे दो सुमन यह सब सुनकर जल भून जाती अब उसके दिमाग में शक का कीड़ा अपना फन उठाने लगा कहीं उन दोनों के बीच कोई नाजायज संबंध तो नहीं इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आज उसने सुनीता पर राकेश से उसके संबंध को लेकर कटाक्ष किया था गुस्से में सुमन कुछ भी बोलने से बाज नहीं आती राकेश के समझाने का भी कोई असर उस पर नहीं होता आखिर उसके सास ससुर ने रोज रोज की इन तमाशों को ख़त्म करते हुए राकेश को अलग घर लेकर रहने को बोल दिया वे अलग फ्लैट में रहने चले गए अब पूरी गृहस्थी के काम का बोझ गेलापन उसे अखरने लगा अभी तक इतना काम नहीं किया था नहीं काम का कुछ अनुभव था हर समय परेशान चिड़चिड़ा रहती राकेश के घर में आते ही उसे किसी भी छोटी सी बात को लेकर लड़ पड़ती एक दिन छुट्टी वाले दिन राकेश उसे घुमाने ले गया उन्होंने बाहर ही खाना खाया फिर जाकर पार्क में बैठ गए उनके आसपास बच्चे खेल रहे थे कोई झूला झूल जुल रहा था कोई फिसलने पर फिसल रहा था उन्हें देख सुमन को चिंकी और गोलू की याद आई कैसे मासूम बच्चे चाचा चाची कहते उसके आगे पीछे डोलते थे राकेश ने उसे बचपन की बातें बताई कैसे वह जब छोटा था भाभी से ही सब काम कराने की जिद करता था वह भी प्रेम से छोटे भाई की तरह में ख्याल रखती थी उन्हें में अपना छोटा भाई नजर आता था, जिसे वो शादी के बाद मायके में छोड़ आई थी वो मेरी भाभी ही नहीं बड़ी बहन माँ भी है उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे संभाला वहीं आते पड़ी हुई थी इसलिए मैं अभी भी उनको पुकारता था मेरे मन में तुम्हें नकारने की कोई भावना नहीं थी आदतवत ऐसा हो जाता था सुमन के को शर्मिंदगी हुई खुद की सोच पर सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल पड़े राकेश से माफ़ी मांगते हुए बोली मुझे अभी घर ले चलो भाभी माँ से माफ़ी मांगूंगी जैसे ही दोनों घर पहुंचे सबको आश्चर्य हुआ सुनीता को देखते ही उन्हें पैर पकड़कर बोली भाभी माँ मुझे माफ़ कर दो मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ सुनीता उसे उठाकर गले लगाते हुए बोली तू तो मेरी छोटी बहन है छोटों से कैसे नाराजगी सब प्रसन्न होकर ठहाके लगा रहे थे सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला न कहते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें